गाइस वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल एंड मामा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल और उसी के साथ मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। दोस्तों ईद आने वाली है और मैं प्रे करती हूँ भगवान से, अल्लाह से, परमात्मा से, सबका मालिक एक है उस परवरदिगार से कि सबकी जिंदगी खुशियों से भर दे। अगर आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो भगवान आपको और मुझे इतनी हिम्मत बख्शे कि हम उस तकलीफ से फाइट कर सके, उस तकलीफ को दूर कर सके और भगवान के आश्रय में रहे, हमेशा उस परमात्मा की ओट में रहे। तो उसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो है स्पेशल होने वाली है। ये स्पेशल ईद मेकअप लुक है। आप लोगों ने एक प्यारा सा जो है मेकअप लुक मांगा था कि मैं एक सटल सा मेकअप लुक लेके आऊं, तो मैं पेश हूं आपके साथ, शेयर कर रही हूं ईद का मेकअप। बहुत प्यारा सा है, सिंपल सा है और वही प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं जो मैं हमेशा से करती आई हूं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स के साथ यूज करते हुए मैंने इसको समर स्पेशल मेकअप लुक भी बनाया है। आप इसे समर स्पेशल लुक भी बना सकते हो। और हाँ, जरूरी नहीं है ईद आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए इस मेकअप को जो है वो कर सकते हो। और ये मेकअप वाटरप्रूफ भी है, स्वेट प्रूफ भी है और उसी सामान से जिससे मैं डेली मेकअप करती हूँ, कुछ नया इसमें ऐड नहीं है। तो जल्दी से मेकअप वीडियो देखते हैं और मेकअप अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई भी कमेंट, आप कोई भी बात कहना चाहते हो, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बोलते बोलते तो चलिए जल्दी से देखते हैं मेकअप। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अच्छे से फेस वॉश करने के बाद टोनर अप्लाई कर लिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है क्योंकि हमें कॉटन की हेल्प से जो है टोनर लगाना चाहिए, अच्छे से लगता भी है और प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता। मेरा कॉटन यार ख़त्म है, दैट्स वाई मैंने ऐसे ही स्प्रे कर लिया। अब हमने हेयर्स को अच्छे से टाइटन अप कर लिया है, उसके बाद हम स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सीरम लगा सकते हो, सीरम से बहुत ही फ्लॉलेस ग्लोइंग मेकअप आता है, लेकिन मेरी स्किन ऑयली है तो मैं समर्स में जो है वो सीरम बिल्कुल अप्लाई नहीं करती। यहाँ पे मैंने वाओ स्किन साइंस की विटामिन सी वाली सीरम ली है जो फेस को ऑयली बिल्कुल नहीं करती और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज जो है वो कर देती है। जब भी आप मेकअप करें उसी टाइम अपना स्किन केयर ज़रूर करें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड का 3-in-1 जेल प्राइमर लिया है। फ्रेंड दिस इज़ द बेस्ट प्राइमर। इतना अच्छा मेकअप बेस हमारा बनाता है, ऊपर इसका जो रेट है वो भी बहुत सही है। ये 200 समथिंग में इसका MRP है, लेकिन हमारी शॉप में ये 150 रुपीज़ में मिलता है। तो अगर कोई भी विलिंग है खरीदने के लिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। प्राइमर अच्छे से लगाने के बाद जहाँ जहाँ आपने अपना मेकअप बेस सेटअप करना है वहाँ पे प्राइमर अच्छे से लगाएं। और उसके बाद आप कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन लेके मेकअप कर सकते हैं क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशल मेकअप है और समर स्पेशल मेकअप है। तो प्लीज़ समर्स में जितना हो सके फाउंडेशन से दूर ही रहें। बीबी क्रीम और सीसी क्रीम भी अच्छा सा जो है आपकी स्किन को परफेक्ट वाला जो है मेकअप देती है, इसलिए आप गर्मियों में BBCC क्रीम ही यूज़ करें। कुछ हैवी फंक्शन है तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। आईज एरिया को बिल्कुल ना भूले, गर्दन को बिल्कुल ना भूले। आईज़ का मेकअप करना है तो आईज़ को भी अच्छे से जो है प्राइमर, फाउंडेशन अच्छे से उसको भी सेटअप दें। उसके बाद हमने जो है ब्यूटी ब्लेंडर लेके ऐसे डैब डैब करते हुए अपनी जो भी आपने बेस लगाया है उसको अच्छे से स्किन में लेके जाना है। आपने ब्यूटी ब्लेंडर को रगड़ना नहीं है मुंह पे, इस तरह से ब्लेंड कर डैप डैप करना है। डैप डैप करने से वो स्किन में अच्छे से जाएगा भी, मेकअप आपका पैची भी नहीं होगा, केकी भी नहीं होगा और मेकअप जो है वो काला भी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छे से आपने अपने गर्दन एरिया, नोज एरिया, आईज एरिया को तो आपने अच्छे से करना है, तभी आपका आई मेकअप निखर के आएगा। उसके बाद मैंने कंसीलर लिया है क्योंकि मेरे हल्के हल्के डार्क सर्कल्स हैं अभी भी, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लैक्मे का कंसीलर लिया है। और वैसे भी कंसीलर आई मेकअप के लिए ज़रूर यूज़ करना चाहिए, उससे अच्छा सा जो है आई मेकअप निखर के बाहर आता है। और उसी से फिर से हमने ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको अच्छे से डैप डैप करते हुए अपना जो है मेकअप बेस सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, आप कॉम्पैक्ट पाउडर लेके भी अपने मेकअप को सेट कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में मैं सुजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी जो है लूज पाउडर, बनाना पाउडर, केक पाउडर जो होता है वो लेके अपने मेकअप को सेट करें, क्योंकि इससे मेकअप बहुत अच्छा जो है वो सेट भी होता है, ग्लोइंग भी बनता है और स्वेट प्रूफ बनता है, लॉन्ग लास्टिंग बनता है। लेकिन इस पाउडर को
लगाने का तरीका है, फर्स्ट तो आप ऐसे ब्रश से लगा सकते हो, लेकिन ब्रश से भी जब लगाओ तो डैब डैब करके लगाओ, आपने इसको झाड़ना बिल्कुल नहीं है जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं, डैब डैब करके लगाना है। दूसरा ईजी सा तरीका है कि उसी ब्यूटी ब्लेंडर को लेके आप अच्छे से इस तरह से डैब डैब करके इस पाउडर को अपने फेस पे लगाओ। यहाँ पे मैंने लैक्मे का ये लूज पाउडर लिया था, ये जेल पाउडर है जिसमें एलोवेरा मिक्स है और इसका MRP जो है 500 रुपीज के आसपास है, लेकिन दिस इज बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। ये आपके मेकअप को इतना अच्छा बनाता है, ग्लोइंग बनाता है और आपको बिल्कुल भी पसीना नहीं आने देता। और इसका मेरे साथ लास्ट 1.5 साल से मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद ब्रश अच्छे से लेके आपने एक्स्ट्रा जो पाउडर है उसको झाड़ देना है, लेकिन बहुत हल्के हाथों से झाड़ना है। अब बारी आती है हमारे आई मेकअप के लिए, और क्रीज अच्छे से सेट हो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो सेलो टेप लगा ली है। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस हो तो सेलो टेप मत लगाइए, लेकिन आप लगा सकते हो। इससे क्या होता है, अच्छे से क्रीज बुलेट अप होती है और इधर उधर जो है आपका प्रोडक्ट नहीं लगता, और फेस का जो क्योंकि आपने अब बेस सेटअप कर लिया है तो वो भी ख़राब नहीं होता। आईज़ की बारी आए तो मेरी जान निकल जाती है, क्योंकि आई मेकअप नहीं हो सकता मेरा, बिकॉज मेरी पफ़ी हुडी सी आईज़ हैं, जो स्किन है बहुत ढीली है, और जब मैं इसके ऊपर मेकअप करती हूँ ना इस तरह से जो है ब्रश लगाती हूँ, क्या होता है मेरी आँखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है और मेरी जो पुतली है अंदर वाली पुपल्स वो जो है वो पेन करने लग जाती है और पानी निकलना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई मैं आई मेकअप को हमेशा अवॉइड करती हूँ, लेकिन आपके साथ हल्का सा ये शेयर करना था, दैट्स वाई मैंने किया। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा बहुत दिल होना कि मैंने आई मेकअप करना है तो मैं फिंगर की हेल्प से गाइज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने डार्क पिंक कलर लेके अपनी क्रीज को बिल्ड अप किया था, उसके बाद मैंने नीचे वाले आई लिड पे अपनी ऊपर वाली आई लिड पे सॉरी ग्रीन कलर लगाया है, क्योंकि मेरी जो स्किन है जो मेरी ड्रेस है दैट इज़ मिक्स ऑफ पिंक और ग्रीन, दैट्स वाई मैंने अपनी जो है आई लिड के ऊपर ग्रीन कलर लगाया है, ऊपर क्रीज के जो है मैंने पिंक कलर लगाया था। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रश से नहीं करती, इस तरह से फिंगर से लेके जो है वो आई शेडो अप्लाई कर लेती हूँ और उसको थोड़ा सा फैला देती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रश से जब मैं ब्लेंड करती हूँ ना तो मेरे बहुत पेन होती है आईज़ में से और पानी निकलता है। उसके बाद ब्रॉन्ज कलर लेके हमने अपर वाली लिड को इस तरह से जो है मिक्स सा कर देना है, ताकि पिंक कलर अलग सा ही ना दिखे। तो मेरी आईब्रोज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई है बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 सिनेरियो, मैं पार्लर में जाना जो है वो अवॉइड ही करती हूँ। तो ये मैंने हल्का फुल्का सा आई मेकअप कर लिया है जो बहुत परफेक्ट रहेगा गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में लाउडी सी जो है आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने डार्क कलर ज़रूर यूज़ किए हैं, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा लाइट ही रखा है, ताकि जो है आँखों को चुभे ना और अच्छा फील हो। उसके बाद लाइट सा पिंक कलर लेके मैंने इस तरह से जो है ब्लश और यूज़ कर लिया है, दैट इज़ अप टू योर चॉइस। अगर आप डार्क करना चाहते हो तो आप आई मेकअप को डार्क कर सकते हो, लेकिन फंडा एक ही रखें, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। जितना आई मेकअप को आप अच्छे से ब्लेंड करते हो ना आई मेकअप, उतना ही जो है वो निखर के आता है। तो मैंने तो थोड़ा अपने चॉइस से किया था, मुझे पिंक कलर ज़्यादा चाहिए था, ग्रीन कम चाहिए था, दैट्स वाई। और उसके बाद बारी आती है माय फेवरेट काजल की, लेकिन काजल भी मुझे बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है, और यहाँ पे मैं जेल काजल लगा रही हूँ लैक्मे का एलोवेरा मिक्स, जिससे मेरी आई को इरिटेट नहीं होता, तो आंसू वांसू नहीं निकलते। उसके बाद क्योंकि मैं आईलाइनर अप्लाई नहीं कर सकती, दैट्स वाई मैंने जो है फ्लैट ब्रश लेके ग्रीन कलर लेके अपनी नीचे वाली आई लिड पे लोअर लैशेज पे इस तरह से अप्लाई कर लिया, जिससे मेरी आईज़ थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगें, और क्योंकि आईलाइनर मैं नहीं लगा सकती, मेरी आईज़ ही इस तरह की हैं, दैट्स वाई मैंने ये थोड़ा सा अलग सा लुक जो है वो अपनी आईज को दिया है। आजकल तो भाई हर कोई आईलाइनर लगा के रखता है घर पे भी, लेकिन मैं नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने इस तरह से ग्रीन नीचे लगा के हल्का सा अपनी आईज को थोड़ा सा ब्रॉडी सा जो है वो लुक दिया है। और आईलाइनर वाली जो कमी है ना, ऊपर नहीं लगा सकती तो नीचे लगा के मैंने कमी पूरी कर ली। यार कुछ भी कर सकते हो, बस अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये काजल है, उससे मैं अपनी सिर्फ वही वाला एरिया आईब्रो का फिल करूँगी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी स्पेस दिखती है, अदरवाइज तो मेरी आईब्रोज बहुत डार्क है भाई, और मैं थोड़ा सा भी उनको फिल करने की कोशिश करूँ तो राक्षस टाइप लगता है, अगर मैं फिल ना करूँ तो वो सामने से खाली खाली जगह लगती है। आईज़ वाला एरिया मेरा थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ भाई, अपनी जो भी मेरे को परमात्मा ने अंग दिए हैं ना, आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आईब्रोज़ पे आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा ज़्यादा लग गया है, तो आप ईयरबड्स लेके इस तरह से उसको फैला सकते हैं या एक्स्ट्रा वाला निकाल सकते हैं। ये
कुछ मेरी थ्रेडिंग के हेयर्स थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, क्योंकि मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई हुई है इसलिए मैंने इनको भी इग्नोर कर दिया, तो आप भी इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिप लाइनर मेरी शॉप का है और ये सिर्फ 10 रुपये का है, और लास्ट 3-4 सालों से मेरे पास एक ही लिप लाइनर है जो कि बहुत ही बढ़िया निकला है। और नेक्स्ट जो बारी आती है वो लिपस्टिक की, और मुझे तो यहाँ तक ही बहुत अच्छा लगता है, चाहे लिपस्टिक फिल करूँ चाहे ना फिल करूँ, जब भी आप थोड़ा सा लिपस्टिक का टच देते हो ना तो फेस एकदम से ग्लोई सा हो जाता है। और यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए थे और मुझे कॉन्टिन्यूसली देख रहे थे और मेरे साथ बातें कर रहे थे, उनको बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि कहते तू बिना बात के या सज धज रही है। और यहाँ पे ये मैट लिपस्टिक है गाइस, और ये लिपस्टिक मार्केट में 150-190 से ऊपर की है, लेकिन हमारी शॉप पे आपको सिर्फ 50 रुपीज़ के मिलेगी, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें। देखिए कलर कितना प्यारा आया है, ये पिंकिश सा कलर है और कैमरे से ज़्यादा ये वैसे अच्छा लगता है। ये मैट लिप ग्लॉस है, ये मेरे पास ओके, ये मेरे पास NYWay का जो है स्प्रे है मेकअप फिक्सर, और ये खत्म होने वाला है, इसमें 2-4 बूंदें ही होंगी। और आपको ध्यान से देखना है आईज को ढक के, बस हमारा हस्बैंड वाइफ का ना इसी तरह से चल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे NYWay की मेकअप फिक्सर जो स्प्रे यूज की है, इस स्प्रे से क्या होता है मेकअप तो फिक्स होता ही होता है, मेकअप बहुत ग्लोई होता है, और देखिए आई मेकअप टाइम के साथ किस तरह से जो है उभर के वो सामने आया है। शुरू में आपको लग सकता है कि थोड़ा सा हाई सा मेकअप लग रहा है, लेकिन मेकअप को थोड़ा सा अब्जॉर्व होने का टाइम दीजिए, 5-10 मिनट बाद मेकअप अपना असली रूप दिखाता है। और यहाँ पे मैंने अब ड्रेस पहन ली है, एक्चुअली दिस इज अ स्कर्ट, मैं इधर कहीं जो है वो पिक्चर लगा दूंगी, इसकी वीडियो तो मैं शूट करना भूल गई थी क्योंकि टाइम नहीं होता यार मेरे पास, जितना टाइम मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है ना फटाफट उसमें से कुछ ना कुछ वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये झुमके डाले हैं, मेरा बड़ा दिल था इनको डालने का, बहुत टाइम से लेके रखे हैं, लेकिन ये हैवी और जैसे ही मैं इनको लगा रही थी नीचे गिरे जा रहे थे, लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली कि ना बाबा मैंने आज पिक्चर जो है ना वो इसी में ही क्लिक करवानी है इसी में, तो जिद में मैं सफल रही। ये भी झुमके थे लेकिन ये उस तरह का लुक नहीं दे रहे थे क्योंकि ये एक ईदी लुक है, तो ईदी वाला थोड़ा सा होना चाहिए ना, क्योंकि ये वाले झुमके मैंने देखे हैं ईद में बहुत पहनते हैं। तो फिर से एक बार आप सबको ईद मुबारक। सो गाइस कैसा लगा मेकअप लुक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, एक सिंपल सा प्यारा सा मेकअप मैंने आपके साथ शेयर किया है, और एक मेकअप की रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं जल्दी ही लेके आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारी फैमिली और भी थोड़ी सी बड़ी हो सके। तो ये मेकअप वीडियो था एक रिक्वेस्टेड वीडियो, तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी की है, तो आप मेरी सी छोटी सी रिक्वेस्ट पूरा कर दीजिए कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय गाइस, सत श्री अकाल और ईद।